हेलो एवरीवन, मैं कुणाल। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो भी सिलेबस था इस बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन का, उसका कंप्लीट मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया था कि क्या क्या पढ़ना है। होप सो आपने लेक्चर देखा होगा और ज़रूर कोशिश किया होगा समझने का कि क्या सब टॉपिक जो है हमें कवर करना है, राइट? और इसके क्या स्कोप हैं, क्यों पढ़ना चाहिए हमें ये सब्जेक्ट, है ना? आज से हम लोग ये सिलेबस जो है यूनिट 1 से स्टार्ट करने वाले, ठीक है? यूनिट 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये यूनिट 1 ही है आपका, जो कि आपका है वेरियस टूल्स रिक्वायर्ड फॉर वायरिंग, ठीक है ना? डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स जो कि हमें यूज किए जाते हैं, कह लीजिए, जो कि हमारे लिए आवश्यक है जब हम वायरिंग कर रहे होते हैं, ठीक? जिसमें से बहुत सारे टूल्स अभी आने वाले हैं, एक एक करके मैं सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है? जैसे कि आप प्लायर्स देखते होंगे, या जिसको कि आप पेचकस बोलते हैं ना, है ना? वो पेचकस देखे होंगे, जिसको कि आप स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, राइट? फिर इलेक्ट्रिशियन नाइफ हो जाता है, टेस्टर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, है ना? एक एक करके मैं आपको बताऊंगा और नाम भी बताऊंगा, उसका BIS जो नंबर है आपका वो भी मैं बताऊंगा। BIS स्पेसिफिकेशन आप कह सकते हैं, BIS स्पेसिफिकेशन भी बताने वाला हूँ। फिर उसके क्या केयर एंड मेंटेनेंस है, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि हम टूल्स का यूज क्यों करते हैं, है ना? टूल्स का यूज करते क्या? जैसे कि मान लो कभी आप देखते होंगे घर में, आप जनरली वायरिंग से जुड़े हुए कोई काम कर रहे होते, या नॉर्मल कनेक्शन भी आपको करना होता होगा, और वायर आपके हाथ में है, तो आप क्या करते हो, दांत से पकड़ के उसको छीन देते होंगे, यही करते हैं ना, ठीक है? लेकिन ये एक गलत तरीका है, आप कह लीजिए नहीं छीलना चाहिए दांत से। कितना गंदा से गंदा वायर भी होगा ना, तो आप उसको दांत से पकड़ के खींच के उसका इंसुलेशन जो है उसको हटा देते हैं, और जो कंडक्टर है वो रह जाता है। फिर उसको आप ट्विस्ट कर देते हैं या मीट देते हैं, और फिर आप कनेक्शन कर देते हैं। लेकिन वहां पे जो आप दांत से छील के बाहर कर रहे हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। उसके लिए कटर आता है, आप कह लीजिए प्लायर का यूज करते हैं हम लोग। अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्लायर का यूज करना चाहिए, या फिर आप इलेक्ट्रिशियन नाइफ जो होता है, चाकू जिसको बोलते हो ना, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं वायर को छीनने में। फिर वहां पे जो उसका कंडक्टर होता है उसको साफ भी किया जाता है, क्लीनिंग किया जाता है, समझ रहे बात को? तो इन सब चीजों से मतलब सब इक्विपमेंट या कह लीजिए या टूल्स का जरूरत होता है ड्यूरिंग वायरिंग। अब मान लो पतला तार रहता है, तब ना आप दांत से छीन लेते, मोटा तार हो जाए, तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा बड़ा हो जाए, तो आसान नहीं होता है मुझसे छीलना, तो वहां पे आपको प्लायर की जरूरत होगी। अब कभी कभी आप स्क्रू देखते होंगे, बोर्ड वगैरह में स्क्रू रहता है, तो चम्मच लेके पूरा एकदम टाइट कर देते हैं, करते हैं ना? या फिर आपका नाखून बड़ा होता है, तो उसको नाखून घुसा करके आप करते हैं, दैट इज नॉट द गुड वे। आपको वहां पे क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर का यूज करना है। अब डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रू ड्राइवर होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्क्रू ड्राइवर भी होते हैं, तो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे, राइट? तो टूल्स का जरूरत होता है, ये क्या होगा कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो वर्क इफिशियंसी आप कह सकते हैं, काम करने का जो क्षमता है, वह भी आपका अच्छा हो जाएगा। कहीं कहीं तो आप देखते होंगे स्क्रूज वगैरह का जो ऊपर का जो बना होता है स्टार टाइप से, या फिर उसमें जो क्रॉस किया हुआ होता है, ग्रूविंग किया होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो आपके बस में नहीं है कि आप ऐसे मैनुअली उसको कर सकते हो, उसके लिए आपको डेफिनेटली स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, या थ्रेडिंग गायब हो गया उसका, जरूरत पड़ता है ना टूल्स का। तो उस टूल्स का इस्तेमाल करके आप जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं। और जब आप एक बार प्रोफेशनली काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना, जब आप एक बार प्रोफेशनली काम करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके पास टूल्स होगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब आप एडमिशन लिए होंगे ना इलेक्ट्रिकल में, उसी टाइम आपके लिए कुछ टूल्स जो है, मतलब कह लीजिए कि रिक्वायर्ड होगा, आपको लेना ही लेना है। अब पता नहीं आप लोग लिए होंगे कि नहीं, लेकिन जब हम लोग, मैं मतलब पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं डिप्लोमा कर रहा था, तो उस टाइम में डेफिनेटली हमारे पास था एक टूल बॉक्स था, कह लीजिए, जिसमें कि स्क्रू ड्राइवर यूज होता था, एक इलेक्ट्रिशियन नाइफ जिसको आप बोलते, वो था हमारे पास, एक मल्टीमीटर था, ये सब चीजें रहना जरूरी रहता था। आप आराम से किसी चीज को स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन कर सकते हो, मतलब स्क्रू को लूज करके उसको निकाल सकते हैं, फिर जो भी आपको यूज करना है, आप कनेक्शन वगैरह बनाना है, बना करके फिर आप वापस उसको स्क्रू से टाइट कर सकते हैं, है ना? तो प्रोफेशनली जब आप काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स होंगे, है ना? बहुत अलग अलग प्रकार के टूल्स होंगे, और वो टूल्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? चलिए, तो हम आते हैं अपने विषय वस्तु पे और देखते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या इसके बारे में पढ़ना है। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट द इलेक्ट्रीशियन यूजेज प्रॉपर टूल्स,
है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिशियन जो है प्रॉपर टूल का इस्तेमाल करता है, प्रॉपर टूल्स फॉर हिज वर्क, अपने काम के लिए प्रॉपर टूल्स का जो है यूज करता है कोई भी इलेक्ट्रिशियन होगा, ठीक है। द एक्यूरेसी ऑफ अ वर्कमैनशिप एंड अ स्पीड ऑफ अ वर्क डिपेंड्स अपॉन द यूज ऑफ अ करेक्ट टूल्स, ठीक है। एक्यूरेसी कह सकते हैं या फिर इफिशियंसी जो होता है वर्कमैन का, वर्कमैन बोले तो जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसकी बात हम करें, उसका एफिशिएंसी भी ठीक ठाक रहेगा। इट मींस भैया दांत से ना काट के आप अगर टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वायर वगैरह काटने में या कहीं कनेक्शन करना, मान लो कहीं दीवार ही फोड़ना, अब ईटा लेके आप फोड़ना शुरू करो, हाथ से फोड़ना शुरू करो, समझ रहे हो बात को, नहीं ना पॉसिबल होगा क्या, आसान होगा क्या, नहीं। तो हम उसके लिए वहां पर हैमर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के हैमर वगैरह यूज किए जाते हैं दीवार फोड़ने में, है ना, दीवार काटने में, है ना, या होल बनाना होगा तो उन सब चीजों में अलग अलग प्रकार के टूल्स का जरूरत होता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वही चीज है। इफ द टूल्स आर प्रॉपरली यूज्ड एंड मेंटेन्ड द इलेक्ट्रिशियन विल फाइंड द वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीजेस एंड द स्किल बिकम्स वर्क हैबिट्स। अगर आप प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है। अब भैया देखिए, जो पहली बार काम करेगा, मैं उसके लिए बात कर नहीं कर रहा, वो जो पहली बार काम करेगा ना ही वह प्रोफेशनल है और ना ही वह स्किल्ड है, उसको तो यूज करने भी नहीं आएगा। अगर मान लो वायर छिलने दे दे, वायर का इंसुलेशन हटाने दे दे, वायर अगर वो कह लीजिए कि प्लायर का यूज करता है तो वायर काट देगा, छिला भी नहीं पाएगा फर्स्ट टाइम उसे, समझ रहे हैं बात को, फर्स्ट टाइम की बात को तो काट देगा वायर। तो लेकिन जिसको पता है, जो इस काम को जानता है, वह प्लायर का यूज करेगा तो वायर को अगर छिलना है उसको तो वायर छिलेगा ही छिलेगा, कटेगा नहीं, समझ रहे हैं। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल यहाँ पे आपको सीखना है कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे होगा, ठीक है। चलो, मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स बाय इलेक्ट्रिशियन आर लिस्टेड, जो जो मोस्टली हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, कह लीजिए जो भी इलेक्ट्रिशियन जो इक्विपमेंट का यूज करता है वो लिस्टेड है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर मैथड्स ऑफ अ केयर एंड मेंटेनेंस विल रिजल्ट इन प्रोलॉन्ग्ड टूल लाइफ एंड इम्प्रूव वर्किंग एफिशियंसी। अगर आपके पास में कोई टूल्स है ना, अगर आपके पास में कोई टूल्स है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से रखते हैं तो वो उसके लाइफ को क्या करता है, उसके लाइफ में वृद्धि कराता है कह लीजिए, या उसका लाइफ लंबा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप घर में बाइक ही लिए हैं, आप उस बाइक को आप अच्छे तरीके से रखते हैं, उसको प्रॉपर मेंटेन करते हैं तो वो बाइक अधिक टाइम तक चलेगा। लेकिन आप उसको रफली यूज कर रहे हैं उसी बाइक को, कंपैरेटिवली अगर आप उसको अच्छे तरीके से मेंटेन भी नहीं कर रहे हैं तो उसका लाइफ डेफिनेटली कम होगा। जैसे आप पेन ही मान यूज कर लो, पेन अगर यूज करते हैं आप, एक तो मतलब ठीक है लिखने पर्पज से आप यूज करते हो, अच्छे तरीके से रखते हो तो जब तक वो रिफिल खत्म नहीं होगा तब तक चलेगा। लेकिन अगर आप जैसे तैसे रख रहे हो, फेंक रहे हो, तो हो सकता है ऐसा कि उस पेन का जो पॉइंट होता है वह पेन का पॉइंट निकल जाए, और पेन का पॉइंट निकल गया तो पूरा का पूरा रिफिल क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, जिसको कि लीड बोलते हो ना, वो बर्बाद हो जाता है। तो कोई सा टूल हो, अगर आप उसको अच्छे तरीके से रखते हैं, अच्छे उस तरीके से उसको मेंटेन करते हैं, डेफिनेटली उसका लाइफ क्या होगा, लंबा होगा। और लाइफ लंबा भी होगा, साथ साथ में जो वर्किंग इफिशियंसी होगा उसका, जो मतलब टूल्स का जो काम कह लीजिए एक बार प्रकार से, वो अच्छे तरीके से आप उसकी मदद से कर सकते हैं। वही चीज है यहाँ पे, अलग अलग प्रकार है, उसका BIS नंबर ऑफ टूल्स आर गिवन फॉर योर रेफरेंस। हम लोग उसका BIS नंबर भी दे के चलते हैं, उसका BIS नंबर क्या क्या होगा इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। पहला है आपका प्लायर्स, ठीक है। प्लायर्स में देखिए, प्लायर्स आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क विल बी इंसुलेटेड ग्रिप। देखो प्लायर्स का काम होता है जनरली, अभी आप देखेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा, एक मिनट। दिस इज द प्लायर्स, राइट, आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के प्लायर होंगे, एक एक करके मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। प्लायर्स का काम होता है ट्विस्टिंग करना, किसी भी वायर को पकड़ के आपको घुमाना होगा, ट्विस्ट करना होगा तो वो आप कर सकते हैं। काटना, किसी चीज को होल्ड करना या किसी भी चीज को पकड़ के खींचना, आप इन सब चीजों की मदद से कर सकते हैं प्लायर्स की मदद से, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कोई वायर है आपके पास में और उसको आप हाथ से खींच रहे हो, देखो यहां पर हो सकता है कि मतलब हो सकता है स्किन हट जाए या कह लीजिए कि जख्म हो जाए, इस तरह से किसी कारण बस वायर चुभ जाए, घुस जाए हाथ में आपको, ऐसा भी संभावना है ना। या कभी भी आप देखेंगे कि तार वगैरह को आप जब अमेटते होंगे, ट्विस्ट करते होंगे,
तो चुभता होगा, कभी कभी चुभ जाता होगा उसका जो कंडक्टर होता है, वो चुभ जाता होगा। माइट बी ब्लड विल बी कमिंग आउट, है ना, बाहर आने लगता है ब्लड, खून बाहर आने लगता है। तो उन सब जगहों पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, प्लायर्स का यूज चाहे तो कर सकते हैं ट्विस्ट करने के लिए। जैसे आप दो वायर का कनेक्शन करते हैं, दोनों को पकड़ के और पूरा क्या करेंगे, मदद से इसको ट्विस्ट कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, काट सकते हैं, है ना, होल्ड कर सकते हैं। इन सब का जरूरत जो है प्लायर्स में होता है, प्लायर्स का यही इस्तेमाल होता है। ठीक है, लाइक ये भी देखो आपका प्लायर्स है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसी को हम प्लायर्स कहते हैं। अब देखो जैसे इसका है, ये प्लायर्स होता है कॉम्बिनेशनल साइड कटिंग प्लायर्स भी होता है इसको, ठीक है, कॉम्बिनेशनल प्लायर्स भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशनल प्लायर बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें सारा काम ऑलमोस्ट कर सकते हैं, काटना होगा काट सकते हैं, कोई ट्यूब है या कोई पाइप है उसको भी आप इसके मदद से पकड़ सकते हैं, ठीक है, या होल्ड करना है किसी भी चीज को, पकड़ के ट्विस्ट करना है, इसके मदद से आप कर सकते हैं, होल्ड करना है पकड़ के, इसके मदद से कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आपको जो दिखाया जा रहा है, समझ लीजिएगा इस बात को, मैं उसके बाद आपको इसका BIS नंबर वगैरह भी बता दूंगा। ये देखो हैंडल है आपका, ठीक है, ये हैंडल है, इसको पकड़ना है और इसको ऐसे करके फैलाना है, फैला जाता है, आपने देखा होगा, डेफिनेटली आपने किया भी। ये हैंडल है दोनों, इसको पकड़ के जैसे इसको आप स्ट्रेच करेंगे, एक इधर खींचेंगे, इसका जो यहाँ पे मुंह होता है ना, ये वाला ओपन होगा, और आप यहाँ पे अगर ठीक से देख पा रहे हो या समझ पा रहे हो, देखो ये वाला जो गोल दिख रहा है ना आपको, इसमें आप ट्यूब वगैरह को रख सकते हो, पाइप वगैरह, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पाइप ग्रिप, ये डायग्राम भी बनाते चलिएगा साथ में, है ना, पाइप ग्रिप है आपका, ये पाइप ग्रिप है, पाइप को पकड़ने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से मदद से आप पाइप पकड़ सकते हो। ये बीच वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आप अगर पाइप रखते हैं किसी कंडक्टर को, मान लिया तार रख दिए, तो यहाँ पर तार रहता है, तो यहाँ पे धारदार टाइप से बना रहता है, काट सकता है, तो तार को काटना होगा, तो आप यहाँ पे रख करके आप आराम से तार को काट सकते हैं, यहाँ पे धार होता है, शार्प होता है ये वाला, ठीक है, यहाँ ट्यूब रख सकते हैं, और ये चीज होता है ग्रिपिंग सरफेस कहलाता है। ये यहाँ देखो, ये साइड कटर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला भी, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये ग्रिपिंग होता है, ये पकड़ने में काम आता है, ग्रिप करने में काम आता है, ठीक है, इसको पकड़ के आप किसी भी चीज को ट्विस्ट कर सकते हैं या पकड़ के इसको होल्ड कर सकते हैं, समझ रहे बात को। लाइक देखो इसी चीज का यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ठीक, ये देखो ये कटर होता है यहाँ पे, आप देखिएगा जरूर एक बार, अगर आपके पास होगा ना तो जरूर आप देखिएगा, ठीक है, इसको हम कॉम्बिनेशनल प्लायर कहते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर भी कहते हैं। यहाँ बीच में जो बना हुआ है, यहाँ पे आप ट्यूब वगैरह को, पाइप वगैरह होगा तो उसको आप होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और यहाँ पे जो होता है ये होल्ड करने के लिए है, वायर वगैरह को आप पकड़ के ट्विस्ट करना चाहे तो ट्विस्ट कर सकते हैं या पकड़ के रख सकते हैं कुछ समय के लिए, तो ये सब काम यहाँ पे किया जा सकता है। और ये वाला होता है ज्वाइंट प्लेयर होता है, ज्वाइंट कटर होता है, काटना हो किसी भी ज्वाइंट को तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सिंपली इसको आप ओपन कीजिएगा, पकड़ के ऐसे फैलाइएगा, ये वाला भी चीज फैलेगा, उसके बाद जब इसको दबाइएगा तो ये भी क्या होगा, द प्रेस कंप्रेस होगा, और फिर जो भी आपका काम होगा यहाँ पे वो काम आप इसकी मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे देखिए प्लायर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए। अब ये जो ग्रिप है ना, ये ग्रिप इंसुलेटेड भी हो सकता है, अनइंसुलेटेड भी हो सकता है, इंसुलेटेड भी होता है, अनइंसुलेटेड भी होता है, जनरली हम लोग इंसुलेटेड ही रखते हैं, जनरली क्या होगा हम लोग इंसुलेटेड ही रखेंगे, ठीक है। रीजन होता है कि आपको पता नहीं है ना कि आप लाइव वायर पे काम कर रहे हैं या डेड पे काम कर रहे हैं, तो किसी पे भी काम कीजिए, अगर लाइफ पे भी काम करना होगा तो आपका अगर ये इंसुलेटेड रहेगा तो आपको जो है शॉक लगने का पॉसिबिलिटी कम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, इंसुलेट कर दिया जाता है एक तरह से, ताकि आपको झटका वगैरह महसूस नहीं हो, ठीक है, महसूस नहीं हो, वही चीज हो गया। अब इसी में देखिए आपको हम एक एक करके आपको अलग अलग प्रकार के प्लायर का जरूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या हो मैं बताता हूँ। सो पहला है आपका कॉम्बिनेशनल प्लायर विद पाइप ग्रिप साइड कटर एंड इंसुलेटेड हैंडल। पाइप ग्रिप आपने देखा था, बीच में जो आपका गैप बना हुआ था जिसके मदद से आप पाइप को पकड़ सकते हैं, वो हमारा पाइप ग्रिप में अंतर आता है। साइड कटर आप बीच में देखे थे, शार्प किया हुआ था, कंडक्टर को काटा जा सकता है उसके मदद से, तो वो हमारा साइड कटर होता है। और इंसुलेटेड हैंडल होता है, दोनों साइड से आपका इंसुलेटेड पाइप टाइप से रहता है जिसकी मदद से आप उसको इंसुलेट करके रखे हुए, ठीक है। इसका BIS जो नंबर होता है, या BIS स्पेसिफिकेशन 3650 होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ऑब्जेक्टिव अगर पूछ दिया तो उस टाइम में कुकु कुकु मत कीजिएगा, क्योंकि आने मत लगिएगा कि हाँ सर आप ये नहीं बताए थे, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसलिए मैं आपको इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा डिटेल कर दूं कि आपसे छूटे नहीं, है ना, हालांकि अभी तक छूटा नहीं है। BIS इसका क्या होता है, 3650, साइज जो होता है 150 mm का हो सकता है, 200 mm का हो सकता है, एटसेट्रा और भी हो सकता है। ये बना होता है किसका, फोर्ज्ड स्टील का, इट इज मेड अप ऑफ
फोर्ज्ड स्टील, ये किसका बना होता है? फोर्ज्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे इट इज यूज्ड फॉर, ध्यान दीजिएगा, इट इज यूज्ड फॉर कटिंग, यह जो है काटने में काम आता है, ट्विस्टिंग पकड़ के अमेठने में काम आता है, टूलिंग पकड़ के खींचने में काम आता है, होल्डिंग मतलब उसको पकड़ के आप रख सकते हैं कुछ देर के लिए, ग्रिपिंग पकड़ने में काम आता है आपका ग्रिपिंग, स्मॉल जॉब्स, जॉब्स मतलब यहाँ नौकरी मत समझ लीजिएगा, जॉब्स मतलब ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे स्मॉल जॉब्स का मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इन वायरिंग असेंबली एंड रिपेयरिंग वर्क, जब कभी आप रिपेयरिंग वर्क या वायरिंग असेंबलिंग करते हो है ना, उस वक्त में छोटे छोटे जॉब जो होते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उसी को पुल करने में, होल्ड करने में, ग्रिप करने में, या ट्विस्टिंग करने में, या कटिंग करने में यूज किया जाता है। यही चीज है आपका, आपको बताए थे अभी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देखो उसके बाद नॉन इंसुलेटेड टाइप इज ऑल्सो अवेलेबल, इसमें नॉन इंसुलेटेड ये वाला जो होता है इंसुलेटेड नहीं भी रहता है, ऐसा भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जनरल केस में ये इंसुलेटेड ही रहता है अवेलेबल। एंड इंसुलेटेड प्लायर्स आर यूज्ड फॉर वर्क ऑन लाइन्स, मतलब जब कभी आप लाइव वायर पे काम करो या फिर कहीं पे जहाँ पे बिजली है वहां पे आपको काम करना है, तो डेफिनेटली आपको इंसुलेटेड ग्रिप वाला ही यूज किया जाता है, ठीक है, इंसुलेटेड ग्रिप वाला ही यूज किया जाता है। सो आपको ये था, ये डायग्राम आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा, बनाना है का मतलब बनाना है, क्योंकि इस यूनिट में पूरे टूल्स पढ़ना है, तो टूल्स के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, और अगर पूछा जाता है डेफिनेटली आपको ये 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में पूछा जाएगा, 4 मार्क्स में भी आएगा तो डेफिनेटली डायग्राम आप बनाइएगा, तभी आपको जाकर के अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है, ठीक है। और पेपर बहुत स्कोरिंग है, ये मत समझना कि पेपर में आप कुछ भी आमने लिख के आ जाओगे नंबर मिल जाएगा, नहीं, आप अगर अच्छे तरीके से लिखोगे तो जो लिखोगे वो मार्क्स मिलने वाला है इसमें, ठीक है। बहुत स्कोरिंग पेपर है, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, और ये लास्ट सेमेस्टर है, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा मेहनत जरूर इसमें कर देना चाहिए, ताकि आपका जो परसेंटेज है डिप्लोमा में एक अच्छा मतलब हो जाए, जिनका 70 है उनका 75 हो जाए, जिनका 80 है उनका 85 हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप जरूर एक बार फोकस कीजिएगा 6 सेमेस्टर में, कि आपका परसेंटेज में थोड़ा सुधार हो जाए, ताकि इन फ्यूचर आपको भविष्य में कहीं पे भी अगर जरूरत पड़े मार्क्स का, तो उसमें आपको ये एहसास नहीं हो कि काश हम पढ़ लिए होते, या काश हम थोड़ा सा और मेहनत कर लिए तो थोड़ा नंबर और मिल जाता। लाइक अभी आपने सुना होगा बीटीएससी जेई जो था, हालांकि अब कैंसिल कर दिया है, इसमें मार्क्स बेसिस पे वैकेंसी आ रही थी। अब सोचो कि आपके पास मार्क्स नहीं होगा तो कहीं से कहीं सिलेक्शन होगा क्या? लाइक मेरा ही 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया था, है ना, 84% था, लेकिन वहां पे कट ऑफ मेरा नहीं अप्रोच हो पाया, ठीक है, 85% वाले का हुआ था, 84 वाले का नहीं हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से मैं बता रहा हूं, तो मार्क्स जरूर आप मेंटेन कर लीजिएगा, एक बार थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, अच्छा मार्क्स हो जाएगा डिप्लोमा में, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, और एक बार फिर आगे इन फ्यूचर आपको कहीं भी जरूरत पड़ेगा वहां पे जरूरत है, जैसे कि आप बीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट लेक्चरर वगैरह में देखिएगा, तो एकेडमिक मार्क्स होते हैं उसमें, जितने आपके एकेडमिक मतलब बीटेक में या एमटेक में मार्क्स होते हैं ना, वो जुड़ते हैं, है ना, प्रोफेसर में या लेक्चरर में वो जुड़ता है, तो वहां पे आपको क्या होगा, परसेंटेज मैटर करेगा कि नहीं, कोई 70 लाएगा, कोई 80 लाएगा, दोनों में अंतर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि थोड़ा सा मेहनत आपको करना है, और मेहनत करने से एक अच्छा परसेंटेज आपको यहाँ पे भी मिल सकता है, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। चलो दूसरा आपका आता है फ्लैट नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर में आप देखते होंगे कुछ इस तरह से रहता है, यहाँ पे भी आपका ये इंसुलेटेड ग्रिप रहता है, ठीक, और यहाँ पे फ्लैट नोज प्लायर में ये पकड़ने का काम आता है आपको, ठीक है, पकड़ करके आपको क्या करना है, उसको होल्ड करना है, ठीक है, उसको क्या करना है, होल्ड करना है किसी भी चीज में। पहला जो था आपका वो मल्टीपल पर्पस के लिए था, उसके अलावा जो है सबका इंडिविजुअल यूज है, जैसे ये वाला चीज है, आपको बस पकड़ के आपको क्या करना है, उसको होल्ड करना, कोई फ्लैट ऑब्जेक्ट रहेगा उसको भी आपको पकड़ करके होल्ड कर सकते हो आप, ठीक है, कोई और दूसरा काम अगर उसी पे करना है तो एक तरह से उसको पकड़िए और फिर दूसरे की मदद से आप उस पर काम कर सकते हैं। सो लाइक यहाँ पे देखिएगा फ्लैट नोज प्लायर आपका कुछ इस प्रकार से, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और ये वाला चीज आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे आपका ये कुछ ग्रूविंग भी दांत बना रहता है यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बना रहता है, और यहीं पे आपको क्या कर सकते हो, आप होल्ड करके रख सकते हो, कोई भी फ्लैट मटेरियल फ्लैट प्लेट रहेगा उसको आप होल्ड करके रख सकते हो, इसको ऐसे फैलाओगे ये भी फैलेगा, इसको ऐसे स्ट्रेस करोगे प्रेशर दोगे ये भी आपका क्या होगा दबेगा, और इस तरह से कुछ पकड़ के रखा जाता है। सो इसका BIS नंबर आप जब बात करोगे तो 3552 होता है, BIS स्पेसिफिकेशन जो होता है इसका कितना होता है 3552, साइज जो होता है 100 mm का, 150 mm का, 200 mm का, इत्यादि हो गया। फ्लैट नोज प्लायर है ना, ये फ्लैट नोज प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर आर यूज्ड फॉर होल्डिंग फ्लैट ऑब्जेक्ट्स, फॉर होल्डिंग फ्लैट ऑब्जेक्ट, फ्लैट मतलब एकदम सपाट,
ना, एकदम सपाट होता है, मतलब चादर टाइप से आप समझ लो ना, है ना, स्टील का चादर देखे होगा ना, स्टील प्लेट लाइक, तो एकदम पूरा फ्लैट जो रहता है ना उसकी बात कर रहे हैं, कि फ्लैट ऑब्जेक्ट्स जो भी रहेगा उसको पकड़ने में आपका, या थिन प्लेट्स हो गया उसको होल्ड करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान रखिएगा, BIS, इसका साइज ये आपको मैंने बता दिया। चल अगले पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अगला पे आपका है नोज, लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर, नाक लंबा ना, नाक लंबा। ठीक है, तो वो ये वैसे जगह पे यूज किया जाता है जहां पे कि और मतलब स्पेस कम हो थोड़ा, है ना, स्पेस कम हो, जहां पे कि वगैरह कह सकते हैं कि उंगली वगैरह नहीं पहुंच पाता है ना, मतलब पूरा होल टाइप से बना हुआ है, काफी नैरो होल है, वहां पे हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर जो ऊपर का हमने कम्बिनेशन प्लायर हो गया उसको हम देखे उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, तो वहां पे आप जो है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, है ना। ये चीज हमारा कौन है, लॉन्ग नोज प्लायर। देखो कुछ ऐसा होता है लॉन्ग नोज प्लायर, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना सेम है, देखो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, आराम से ये जो हमारा नोज है इसके मदद से आप इसको पकड़ सकते हो, इसी के मदद से जो होगा आप किसी भी चीज को ग्रिप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ये कितना पतला है, आराम से जहां कम स्पेस भी होगा, जहां पे उंगली नहीं पहुंच पा रहा है उसमें भी आप इसको घुसा करके उसको एकदम पकड़ सकते हो। पतला पतला वायर कहीं पे मान लो रहता है ना, बहुत फाइन स्टील वायर जो रहता है उसको पकड़ के, उसको खींचने का काम जो होता है ना, तो आप इसकी मदद से कर सकते हो किसी भी पाइप में, नैरो पाइप में, है ना। वही चीज हो गया। BIS इसका होता है 5658। साइज इसको देखिएगा 100 mm या 150 mm इत्यादि हो गया। इट इज यूज फॉर होल्डिंग अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इन प्लेसेस वेयर फिंगर्स कैन नॉट रीच। ये वैसे जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे कि फिंगर नहीं पहुंचता, और फिंगर कहाँ नहीं पहुंचेगा, अगर मान लो ये फिंगर है तो इससे भी कम स्पेस होगा तब ना नहीं पहुंचेगा जी, समझ रहे बात को, तो इससे कम स्पेसियस होगा, इससे कम इसका इसका इससे कम साइज का होगा, तो वहां पे नहीं पहुंच पाएगा वो फिंगर तो वहां पे हम लोग को क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है, जो कि हमारा क्या होता है, लॉन्ग नोज प्लायर। आराम से जो है ये वाला देखो, ये बहुत पतला होता है, आराम से उसको ले जाइए और पकड़ के उसको रखिए, पकड़ के फिर अगर आपको बाहर खींचना है तो आप बाहर खींच सकते हैं, या फिर आपको होल्ड करना होल्ड कीजिए, ग्रिप करके रखना है ग्रिप करके। सो यू कैन डू दस वर्क विथ दैट लॉन्ग नोज प्लायर्स। ठीक है, चलो अगला आता है साइड कटिंग प्लायर्स। साइड कटिंग प्लायर्स मतलब नाम से ही पता चल रहा है, ये काटने में काम आता है। ठीक है, जैसे बराबर आप प्लेट हो गया, प्लेट बोल रहे हैं मतलब स्टील प्लेट का बात कर रहे हो, खाने वाला प्लेट का बात मत कर, समझ लेना आप। ठीक है, जो बराबर प्लेट होता है तो उसको काटना, जैसे कि आप कहीं भी देखे होंगे और टेलर बनने के, या फिर जो कार वगैरह का बॉडी या ट्रक वगैरह का जो बॉडी बनाया जाता है तो वहां पे बहुत चदरा होता है, या फिर आप ना कहीं पे ट्रंक वगैरह बनाया जाता है ना, पेटी जो बनाया जाता है स्टील वाला पेटी, है ना, वहां पे आप उस दुकान में जाइएगा ना तो वहां पे आपको धड़ल्ले से मिलेगा, जो चदर मतलब पतला पतला चदरा होता है ना उसको काटा जाता है, कि लाइनिंग बना देगा उसके बाद उसको इसी के मदद से क्या किया जाता है, उसको ऐसे पकड़ पकड़ के काटा जाता है, जस्ट लाइक अ कैंची आप समझ लेना, है ना, जैसा कैंची होता है ना वैसा ये होता है, इसको दबा दबा करके काटा जाता है इसके मदद से, तो वही हमारा क्या साइड कटिंग प्लायर है, ये भी आपको काटने में काम आता है, कह लीजिए कि जो भी काटना होगा उसके मदद से आप काट सकते हैं। सो BIS आपका 4378, BIS स्पेसिफिकेशन जो होगा क्या हो जाएगा 4378। इसका साइज की बात करें 100 mm, 100 mm, अब सॉरी 100 100 नहीं 150 mm एंड एटसेट्रा, और हो सकता है। इट इज यूज फॉर कटिंग कॉपर्स एंड अल्मोनियम्स वायर्स और अ स्मॉलर डाया लेस देन 4 mm। अब देखो जो अब ये वाला की बात हम कर रहे हैं, ऐसा कटर आपको मिलेगा वहां पे, लेकिन ये नहीं है, ये चीज होता है ना आपको मिलेगा इलेक्ट्रिशियन के दुकान में कह लीजिए, या जहां पे इलेक्ट्रिक काम किया जाता है, साइड कटर ही मिलता है वहां पे भी, लेकिन उसका साइज बड़ा होता है। इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, अगर नॉर्मल दुकान में जो ट्रंक वगैरह की बात कर रहा हूँ तो वहां ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो होता है जनरली, ये जो इलेक्ट्रिशियन टर्म में या इलेक्ट्रिकल टर्म में बात करें, तो ये जो होता है 4 mm का वायर से कम, मतलब अगर आप एल्यूमिनियम वायर यूज कर रहे हैं या कॉपर का वायर यूज कर रहे हैं और जिसका साइज 4 mm से कम होगा, उसको काटने में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यार अब वायर वगैरह का यूज करोगे इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल के टर्म में, तो कितना मोटा वायर यूज करोगे यार, पतला पतला होता है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता, केबल की बात नहीं कर रहे, वायर की बात कर रहे, घर वगैरह में कितना ज्यादा होगा, 4 mm बताया जा रहा है, अगर उसका डाया है तो सफिशियंट, उससे कम ही रहता है ना, ज्यादा नहीं रहता। तो ये हो गया हमारा, इसमें अभी आप देखो कुछ इस तरह से ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, इसको आप फैलाइए, और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये कटर बना हुआ है, एकदम शार्पन किया हुआ रहता है यहाँ पे,
पूरा आराम से इसके बीच में रखिएगा और दबा दीजिएगा, कट जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइड कटिंग प्लायर्स। अगला देखिए हम लोग आते हैं राउंड नोज प्लायर, है ना। ये देखिए ये और भी पतला है, लॉन्ग नोज प्लायर से इसको कंपैरिजन कीजिएगा, ये और भी पतला आपका, ठीक है। तो इसका काम होता है जैसे आप किसी को हुक करना है या किसी में लूप बनाना है, लूप बनाने के काम में, तो आप इस स्तंभ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब आप काम करने लगेंगे ना, इतना भी प्रोफेशनल नहीं हो जाइएगा कि आप पूरा इन सब चीजों को ढूंढिएगा पहले। हाँ, जरूरत पड़ जाएगा तब आप यूज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब ये रहेगा तभी काम होगा, नहीं। आप किसी का यूज आप कर लेते हो आप, ठीक है, जिसको जानकारी होती है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, राउंड नोज प्लायर में इसका BIS कितना होता है, 3568। इसका BIS कितना होगा, 3568। साइज 100 mm एंड 150 mm एटसेट्रा। वायर हुक्स एंड लूप्स कुड बी मेड यूजिंग द राउंड नोज प्लायर। इसके मदद से आप वायर को पकड़ सकते हो, या कहीं देखते हो कि वायर को मैसे हुक टाइप से बनाना होता है तो आप इसको बना सकते हो, है ना। वायर हुक उसे बोलते हैं, या लूप्स वगैरह बनाना हो ऐसे करके पूरा गोल बना दिया देना है तब आप इसकी मदद से बना सकते हो। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, राउंड नोज प्लायर के मदद से। ये डायग्राम बना लीजिएगा, ये कुछ ऐसा दिखता है आपका, ठीक है। चलिए इसको देखिए, इसका केयर एंड मेंटेनेंस है, क्या केयर एंड मेंटेनेंस होगा। अब मान लीजिए कि प्लायर से, तो इसको आप हथौड़ी जैसा थोड़ी नहीं यूज कर सकते, हथौड़ी जैसा यूज नहीं करना है। अब मान लीजिए वहां पे इंसुलेटेड ग्रीप है, तो इंसुलेटेड ग्रीप होना चाहिए। अब वहां पे आप ग्रीस ला के पूरा स्मूथ नहीं बना सकते हो ना, तो वही चीज हमारा मेंटेनेंस में। देखो पहले आपका डू नॉट यूज प्लायर्स एज ए हैमर्स। हैमर मतलब होता है हथौड़ी, बताएंगे आपको हैमर के बारे में भी, ठीक है। तो ये जो प्लायर है उसको आप हथौड़ी के जैसा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो प्लायर है इसको हथौड़ी के जैसा यूज नहीं कर सकते। डू नॉट यूज प्लायर्स टू कट लार्ज साइज। देखिए 4 mm डाया से ज्यादा नहीं कट करना है, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ज्यादा कट करना होगा, ज्यादा साइज होगा, तो उसके लिए अलग अलग प्लायर का आवश्यकता आपको है, अलग अलग प्लायर की रिक्वायरमेंट आपके पास होगी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो डैमेज होने का चांसेस, जैसे अगर प्लायर में है तो बीच वाला जो काटने रहता है ना बोथा आ जाता है एकदम, जो शार्पन इंडिया रहता है ना वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे कि आप जो है अगर आपको कटना है तो आप लार्ज साइज का कोई भी कंडक्टर है तो आप उसको नहीं काट सकते, लाइक कॉपर या एल्यूमिनियम वायर होता है, या हार्ड स्टील वायर को भी आप इसके मदद से नहीं काट सकते। ध्यान रहे साइज 4 mm आपका लिखा हुआ है, ठीक है। वाइल यूजिंग द प्लायर्स अवॉइड डैमेज टू द इंसुलेशन ऑफ अ हैंड ग्रिप्स। जो हाथ के पास में इंसुलेशन था, ध्यान रखिए कि वो डैमेज नहीं होना चाहिए, वो रहे। भैया आप जितना अच्छे तरीके से किसी भी सामान को रखोगे उतना अधिक टाइम तक वह चलेगा, समझ रहे बात को। आप जितने जितना रिस्पेक्ट आप किसी भी टूल्स का करोगे, वो टूल्स भी आपका उतना ही रिस्पेक्ट करेगा, कहने का ये मतलब हुआ, ठीक है। तो जो आप टूल्स यूज करेंगे ना उसको आप अच्छे तरीके से संभाल के रखिए, तो टूल्स भी आपके लिए अच्छा काम करके देगा। अब उसका ग्रिपिंग है, उसका मतलब ग्रिपिंग हटा दिए, कितना गंदा लगेगा वो, देखने में बेकार लगेगा। फिर आप यूज करने में सोच रहे हो, आप खुद यूज करना नहीं चाहोगे, तो जो है उसका प्रॉपर उसको आप बना के रखिए, उसको मेंटेन करके रखिए। इसलिए कहा जा रहा है कि जो इंसुलेशन हम लोग हैंड ग्रिप के पास में, हैंडल के पास में रखते हैं, हैंड ग्रिप के पास में, वो प्रॉपरली होना चाहिए। लुब्रिकेट हिंग्ड पोर्शन। हिंग्ड पोर्शन मतलब जहां पे आपका जो है ये, मतलब कह सकते हैं ना, देखो ऐसा बोल रहे हैं, हिंग्ड पोर्शन करने का मतलब आप हर एक जगह देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे बीच में देखो इसमें मूवमेंट आ रहा है, पूरा एकदम टाइट हो जाए तो फिर आप उसको घुमा नहीं पाओगे, तो इसमें आपको लुब्रिकेट करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये सब में थोड़ा थोड़ा लुब्रिकेट आपको डालना, लुब्रिकेंट कह लीजिए, डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हो गया, इन सब चीजों में थोड़ा थोड़ा आप लुब्रिकेंट करके रखिए ताकि उसमें जो मूवमेंट हो उसका वो आसान हो, समझ गए बात को। चल अगला टूल्स पे आते हैं हम लोग, इसका केयर मेंटेनेंस भी देखिए। अगला टूल्स है आपका स्क्रू ड्राइवर्स। स्क्रू ड्राइवर जिसको कि हम लोग रफली भाषा में बोलते हैं पेचकस, है ना, पेचकस, जो कि स्क्रू को रिमूव करने में यूज किया जाता है। आप इसके मदद से स्क्रू को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी है आपका, हर एक चीज अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका साइज भी है, आप देख सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर आपका ये है, देखो इसमें जो इसका स्पेसिफिकेशन होता है, एक तो पहले ये टोटल लेंथ होता है, अब ये लेंथ अलग अलग हो सकते हैं,
है ना, ये जो लेंथ होगा यह अलग अलग लेंथ हो सकता है। उसके बाद इसका डायमीटर होता है, ये जो आपका तना बोलते हैं इसका, ये वाला आपका हैंडल हो गया एक तरह से कहिए, जो कि आप पकड़ के आप उसको घुमाते हैं, ये वाला स्टीम हो गया एक तरह से कह लीजिए, हाँ, जिसको कि आप जाके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टीम एकेडमी, ठीक है, ये आपका तना हो गया आपका, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा ना, तो आपका ये ऐसा कुछ ऐसा करके मतलब सपाट बना होता है ना, ब्लेड टाइप्स, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट हो गया हमारा, इसको कैनल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कैनल भी बोलते हैं, ये डाया हो गया और ये टैंक बोलते हैं इसको, इसको पकड़ करके आप जो है ट्विस्ट करने में, घुमाने में यूज करते हैं, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज करिए चाहे क्लॉकवाइज करिए। तो अलग अलग इसका स्पेसिफिकेशन है, ध्यान रखिएगा, ये लेंथ, फिर ये डाया और ये इसका थिकनेस, ये कितना ये पतला है उस हिसाब से। अब यहाँ पे जो होता है ना ये वाला भाई, अलग अलग शेप में रहता है, कहीं पे आपको स्टार शेप में मिलेगा, मतलब कहीं आप देखोगे स्टार टाइप से बना होता है, उसको खोलना है ना, कहीं पे आपको स्क्रू जो होता है बीच में पूरा कटा होता है उसको खोलना है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, अवेयर हो गए, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अननोन हो इसके बारे में, ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे देखना इसका BIS नंबर जो होता है 844 होता है, इसका जो स्क्रू ड्राइवर का BIS जो होता है वो 844 होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। द स्क्रू ड्राइवर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क जनरली हैव प्लास्टिक हैंडल, अभी जो हैंडल होता है आप देखे होंगे अलग अलग प्रकार का, प्लास्टिक का भी होता है, एंड द स्टीम इज कवर्ड विद इंसुलेटिंग स्लिप्स, और इसका जो स्टीम होता है इंसुलेटिंग स्लिप से कवर होता है, ताकि अगर आप मान लीजिए कहीं लाइव पे भी काम कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि आपको झटका लगे, लाइक अ टेस्टर आपने देखा होगा, है ना, टेस्टर आपने जो देखा होगा वैसा, उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका इंसुलेटेड स्लिप्स। साइज ऑफ द स्क्रू ड्राइवर इज स्पेसिफाइड बाय इट्स ब्लेड लेंथ इन mm एंड नॉमिनल स्क्रू ड्राइवर्स पॉइंट। देखो इसका जो साइज होता है वो कैसे स्पेसिफाइड करते थे, बताए थे इसका, एक तो यहां ये साइज ठीक है, सॉरी ये उल्टा बोल रहा हूं मैं, यहां से भाई ये ब्लेड लेंथ ये हो गया आपका, ठीक है, ये ब्लेड लेंथ यहां से आप लेकर चलिएगा, ये ब्लेड लेंथ, फिर इसका ये डायमीटर और इसका ये जो थिकनेस ऑफ द पॉइंट होगा, ठीक है, थिकनेस ऑफ द पॉइंट होगा, क्लियर। तो इस हिसाब से आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, अलग अलग साइज का ये होता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ साइज, थिकनेस ऑफ द टिप ब्लेड एंड बाय इट्स डायमीटर, बता दिए आपको, ठीक है, ये ब्लेड लेंथ कितना होगा, इसका डायमीटर कितना होगा और ये थिकनेस कितना होगा, इसी हिसाब से ये क्या किया जाता है, ये स्पेसिफाई किया जाता है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 75 mm, 0.4 mm एंड 2.5 mm, ये 75 mm ब्लेड लेंथ हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, टिप जो होता है, टिप जिसके मदद से आप खोल सकते हो स्क्रू को, रिमूव कर सकते हो, और ये जो हमारा थिकनेस हो गया, ठीक है, जो ब्लेड होता है थिकनेस हो गया, मतलब एक तरह से आप ऐसा समझ लो मेरे भाई, ताकि आपको समझ, इसका इसका जो डायमीटर होगा उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसका जो डायमीटर हो गया उसकी बात करें तो ये 2.5 mm हो गया, ठीक। वैसे ही इसके अलग अलग हैं और भी साइज होते हैं, लाइक 150 mm, 0.6 mm और 4 mm, 200 mm, 0.4 mm एंड 5.5, ये 5.5 है, ध्यान दीजिएगा आप, गलत मत कर लीजिएगा, 5.5 mm, ठीक। द हैंडल ऑफ द स्क्रू ड्राइवर इज आइदर मेड ऑफ वुड और सेलुलोज एसिटेट, जो हैंडल होता था अब पहले आता था लकड़ी का बना हुआ, अब लकड़ी का नहीं आता है मेरे भाई, अब जो होता है सेलुलोज एसिटेट का बना होता है, ठीक है, आप कभी पीला कलर में देखेंगे, प्लास्टिक जैसा बना होता है तो उसको पकड़ के आप उसको हैंडल टाइप से आप कह लीजिए, वो जो बना होता है उसी की मदद से आप रिमूव करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर टाइटनिंग और लूजिंग स्क्रूज, ये स्क्रू को लूज करने में या टाइट करने में इस्तेमाल करता है, और क्या इसका इस्तेमाल होगा, स्क्रू को यूज करो चाहे टाइट करो, लाइक आप घर में खाना बनाते हो तो कुकर होगा ना, तो कुकर का आप देखिएगा कि हैंडल जो होता है ना वो उसमें जो स्क्रू लगाता है ना लूज हो जाता है, क्या करते हैं हम लोग ना चम्मच उठाते हैं, चम्मच उसको ऐसे करके आप फिर क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज घुमा करके उसको टाइट कर देते हैं, यही काम करते हैं ना भैया, तो उसको जो आप चम्मच की मदद से कर रहे होते हो ना, वहां पे आप इसका इस्तेमाल करो, दैट विल बी बेटर, है ना, प्रोफेशनल भी रहेगा आपका, समझ रहे हैं बात को। चलिए उसके बाद आता है द स्क्रू ड्राइवर टिप शुड बी करेक्टली फिट, जो टिप होता है ना, कभी कभी जो कुकर वाली बात कर रहे थे चम्मच, तो चम्मच बैठता नहीं है उसके जो ग्रूव होता है ना उसमें बैठ नहीं पाता, फिर दूसरा चम्मच आप ढूंढते हो, समझ रहे हैं, तो जो बना होता है ना पेचकस वाला जो स्क्रू ड्राइवर का जो टिप बना होता है वो ऐसा होना चाहिए कि वो स्क्रू ड्राइवर में फिट हो जाए, बढ़िया से बैठ जाए, तब घुमाइएगा तो बढ़िया घूमेगा, ट्विस्ट करेगा, मतलब या तो लूज होगा या तो टाइट होगा, नहीं बढ़िया से बैठेगा ना भैया तो छिहल जाएगा,
समझ रहे हैं, फिसल जाएगा, बढ़िया से ना खुलेगा ना टाइट होगा। वही चीज को यहाँ पे बोला जा रहा है कि टिप शुड बी करेक्टली फिट द ग्रूव्स ऑफ द स्क्रू टू हैव मैक्सिमम इफिशियंसी। बढ़िया से लूज होने के लिए या फिर टाइट होने के लिए वो जो ग्रूव होना चाहिए वो प्रॉपरली होना चाहिए, जिसमें कि पूरा स्क्रू ड्राइवर फिट हो जाना चाहिए। एंड टू अवॉइड डैमेज ऑफ द स्क्रू हेड्स, और ताकि इसके मदद से जो होगा जो स्क्रू होगा वो भी डैमेज नहीं हो सके। राइट, चल इसी में आपका एक आता है स्टार हेड। देखो ना, बताते हैं आपको हम अभी एक चीज, देखो दिखाता है तुमको, हम दिखाता है, उम्मीद करेगा कि तुम देखेगा। देखो यहाँ पे देखो, इसका टिप बना हुआ अलग है, इसका टिप देखो अलग बना हुआ है। देखो यहाँ पे ये स्टार हेड है, ये ऐसा करके आपको बना होगा, मतलब कैसे बना दे भाई, ऐसा करके बना होता है ये वाला टिप, ठीक है, ये स्टार हेड टिप होता है। और ये वाला आपका देखो, सबका अलग अलग आपको साइज मिल रहा है, अलग अलग इसका टिप देखो मिलेगा, इसका ज्यादा है, इसका कम है, ये स्टार है और इसका आपको कुछ अलग प्रकार से दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे में ही देखो ये वाला किट आता है, इसमें तो आपको 72 को मिलेगा भाई, हर एक अलग अलग साइज का इसमें आपको मिल जाएगा, जो आप छोटा से छोटा जैसा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह किट वगैरह में भी आप जब ओपन करेंगे ना, तो उसमें भी आपको ये स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा। ये हैंडल है, ये हैंडल, ये वाला भी हैंडल में ही आएगा, तना वाला में, इसको इसमें इंसर्ट कीजिए और इस सब को एक एक को उठाइए और उसमें डालते चले जाइए, जिसका जरूरत है उस हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये स्क्रू ड्राइवर किट हो गया, क्या हो गया, ये वाला कंप्लीट स्क्रू ड्राइवर किट है, अलग अलग शेप का आपको जैसा स्क्रूज मिलेगा उस हिसाब से इसमें आप लीजिए और पिक कीजिए, पिक करके इसमें इंसर्ट कीजिए और फिर जा करके या तो लूज करना है या तो क्लोज करना है, टाइट करना है, आप उस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। समझ रहे बात को, तो ये चीज हमारा हो गया क्या, स्क्रू ड्राइवर। आ जाओ इधर फटाफट आ जाओ, ये हो गया स्टार हेड स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। अब देखो, इट इज यूज्ड फॉर ड्राइविंग स्टार हेडेड स्क्रू, जिसका हेड स्क्रू स्टार टाइप से बना होगा उसको ओपन करने के लिए किया जाता है। इसका केयर मेंटेनेंस में आप देख लीजिए, ठीक है। नेवर यूज अ स्क्रू ड्राइवर एज ए लीवर टू अप्लाई, ठीक है, इसको आप लीव ऐसा नहीं कैसे पकड़ कैसे उठाने में कुछ ऐसा लीवर के जैसा आपको यूज नहीं करना है, स्क्रू ड्राइवर है तो स्क्रू ड्राइवर के जैसा ही यूज करना है। टू अप्लाई फोर्स एज दिस एक्शन विल मेक द स्टीम टू बेंड एंड द यूज ऑफ स्क्रू ड्राइवर विल बी लॉस्ट, ठीक है। जैसे ऐसा मान लीजिए कि ये स्क्रू ड्राइवर है और इसके मदद से आप ऐसे पकड़ के इसको ऐसे उठाते हैं तो हो सकता है ये वाला टेढ़ा हो जाएगा, ये वाला क्या होगा टेढ़ा हो जाएगा, तो आपका प्रॉपरली काम भी नहीं करेगा, हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। चलिए, कीप द टिप इन द करेक्ट शेप एंड इन रेयर केसेस इट शुड बी ग्राइंडेड टू शेप। देखो उसका जो टिप होता है ना वो प्रॉपरली शेप में होना चाहिए, और नहीं है तो उसको ग्राइंड करके मतलब उसको बढ़िया से कह लीजिए कि उसी शेप में आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक। चल, ये हमारा केयर मेंटेनेंस हो गया। अगला पॉइंट पे आते हैं हम लोग, अगला है नियॉन टेस्टर। टेस्टर कौन नहीं जानता होगा, अगर इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट होगा तो हर एक को पता होगा कि टेस्टर क्या होता है ना। टेस्टर में आप देखेंगे कि आगे सेम पेचकस जैसा ही होता है, उसमें भी टिप बना होता है, उस टिप का मतलब भी मतलब यूज भी आप कह लीजिए कि स्क्रू खोलने में कर सकते हैं या लूज या टाइट करने में कर सकते हैं। अलोंग विथ दैट इसमें एक छोटा सा एलईडी भी लगा होता है ना, एलईडी भी लगा होता है, और उस एलईडी से आप ये भी चेक करते हैं कि कौन सा फेज वायर है और कौन सा न्यूट्रल वायर है, कौन सा अर्थ वायर है। घर में आपने देखा होगा कि सप्लाई नहीं है, कैसे पता चल रहा है, तो टेस्टर लेते हैं और जो सॉकेट होता है उसमें इंसर्ट कर देते हैं, है ना, तो पता चल जाता है आपको सप्लाई है नहीं है तो कोई नहीं जलेगा। अगर है सप्लाई तो आप किसी में डालिएगा तो कोई एक में आपका एलईडी ग्लो करेगा, इट मींस दैट इज इंडिकेटिंग दैट फेज टर्मिनल, और दूसरे दोनों में करिएगा अर्थ और न्यूट्रल में तो उसमें ग्लो नहीं करता एलईडी, तो मान के चलते हैं कि वो न्यूट्रल है या अर्थ है, समझ गए। तो टेस्टर यहाँ पे इसको हम नियॉन टेस्टर बोलते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए, ये स्विच हो गया और ये हमारा सॉकेट हो गया, बताएंगे इसके बारे में भी मैं आपको, ठीक है। ये सॉकेट हो गया, हमेशा ये लाइव होता है, ठीक है, लाइव मतलब फेज जिसको आप बोलते हो, ठीक है, ये हमेशा फेज होता है और ये हमेशा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, और ये हमारा अर्थ होता है बीच वाला, ये वाला जो होता है अर्थ, ये न्यूट्रल और ये फेज। अब ये हमारा टेस्टर हो गया, यहीं पे आपका बीच में क्या होगा, एक एलईडी लगा होगा, और ध्यान दीजिएगा जब कभी आप ये टेस्टर लाइन में डालिएगा, मतलब लाइव वाला होल जो रहता है उसमें आप जब इंसर्ट कीजिएगा इस चीज को, ठीक है ना, जब इंसर्ट कीजिएगा ना तब यहाँ पे, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको उंगली से टच करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के वो ग्लो करेगा, नहीं तो नहीं ग्लो करेगा, नहीं पता चलेगा फेज कौन है न्यूट्रल कौन है,
ठीक है। तो आपको ये लास्ट वाला जो है, ये जो ऊपर पे आपका कॉन्टेक्ट बना होता है वहां पे आपको उंगली से टच करना है एंड देन लाइन में करिएगा। तो यहाँ पे आपको ये बल्ब जो एलईडी लगा होता है वो ग्लो करता है और फिर आपको पता चल जाता है कि ये लाइव है या फिर न्यूट्रल है या फिर फ्यूज है। ठीक है, वही चीज आपका। इट इज स्पेसिफाइड विथ इट्स वर्किंग वोल्टेज, रेंज इज 100 to 250 वोल्ट बट रेटेड टू 500 वोल्ट। ये जो होता है इसका रेंज होता है 100 से 200 वोल्ट, हाँ 250 वोल्ट तक ये रेंज क्या होता है, लेकिन ये रेटिंग जो होता है 500 वोल्ट तक की रेटिंग तक इसका होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ नियोन गैस। ये जो होता है इसमें आपका नियोन गैस भी फिल किया रहता है ग्लास में, ठीक है, नियोन गैस एंड इलेक्ट्रोड्स एट द एंड। और यहाँ पे जो होता है आपका एक इलेक्ट्रोड होता है जिसको कि टच करने के बाद ही ये जो हमारा ग्लो करता है आपका, ठीक है। अब एलईडी यूज होने लगा, पहले नियोन यूज होता था, ठीक है। टू लिमिट द करंट विद इन द 300 माइक्रो एम्पियर, देखो कितना कम है, 300 माइक्रो एम्पियर है ना। एट द मैक्सिमम वोल्टेज ए हाई वैल्यू रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ वन ऑफ द इलेक्ट्रोड। इसके अंदर जो होता है ना एक रेसिस्टेंस कनेक्ट होता है, हाई वैल्यू रेसिस्टेंस होता है जो कि करंट को लिमिट कर देता है, कितना तक भाई, तो 300 माइक्रो एम्पियर से कम तक। अगर ज्यादा होने लगेगा तो आपका जो होगा नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा, आपको फिर झटका मिलने का चांसेस हाई रहेगा। कभी देखते होंगे कि टेस्टर का यूज करते होंगे तो आपको कभी झटका नहीं लगता होगा, बिजली फील नहीं होती होगी, समझे। यही है कि इसके अंदर हाई रेसिस्टेंस भी रहता है जो कि करंट को लिमिट कर देता है, आपके बॉडी तक करंट पहुंच ही नहीं पाता है, और जितना भी करंट पहुंचता है उतना करंट आपका बॉडी बर्दाश्त कर लेता है, इसलिए आपको फील नहीं होता, समझ रहे बात को। इसलिए आप हाई रेसिस्टेंस का यूज भी यहाँ पे करते हैं। आगे है इसमें, इट मे हैव ए टिप लाइक ए प्रॉब और स्क्रू ड्राइवर। इसमें आपका स्क्रू ड्राइवर जैसा एक टिप बना होता है, बता चुके हैं आपको, उसका यूज भी आप कर सकते हैं। एट वन एंड द प्रेजेंस ऑफ अ सप्लाई इज इंडिकेटेड बाय द ग्लो ऑफ द लैम्प। सप्लाई है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, अब मतलब अगर उसमें जो आपका लैम्प है या एलईडी है वो ग्लो करेगा तभी पता चलेगा, ठीक है, नहीं ग्लो करेगा तो समझिएगा सप्लाई नहीं है। व्हेन द टिप इज टच्ड ऑन द लाइव सप्लाई एंड द ब्रास कॉन्टेक्ट इन द अदर एंड द नियोन टेस्टर इज टच्ड बाय हैंड, ठीक है। एक साइड में आपको क्या करना है, सॉकेट में इंसर्ट कर देना है, दूसरे साइड में आपका जो लास्ट वाला पोर्शन है वहां पे आपको टच करना है, लाइक मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया भी था, ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने बताया भी था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टच करना है उंगली से, ठीक है, और ये इंसर्ट करना। अगर यहाँ पे बल्ब ग्लो होता है तो समझिए कि ला सप्लाई है, अगर नहीं ग्लो होता है तो सप्लाई नहीं है। इट मीन्स आप न्यूट्रल वाला में इंसर्ट करोगे भाई तब तो कभी नहीं सप्लाई आएगा, फेज वाला में डाल के देखना है, ये हमेशा फेज वाला में इंसर्ट करोगे तभी ग्लो करेगा नहीं तो नहीं ग्लो करेगा। अब फेज वाला में चेक कीजिए, फिर एक तो पता ये चलेगा कि आपको फेज वो है और दूसरा ये भी पता चलेगा कि सप्लाई है ना। इसका इस्तेमाल किया जाता है इन सब चीजों को जानने में भी। अगला है आपका केयर एंड मेंटेनेंस, नेवर सी द नियोन टेस्टर फॉर वोल्टेज हायर देन द स्पेसिफाइड रेंज। मतलब जो वोल्टेज के लिए या स्पेसिफाई किया हुआ है उससे ज्यादा वोल्ट के लिए आपको यूज नहीं करना है। स्पेसिफाई रेंज कितना था भैया, 100 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट तक, उससे ज्यादा में आपको ये यूज नहीं करना है। यूज द स्क्रू ड्राइवर टिप्ड नियोन टेस्टर फॉर लाइट ड्यूटी वर्क ऑनली। अगर कहीं छोटा छोटा स्क्रूज है, ठीक है ना, ज्यादा टाइट स्क्रूज नहीं है तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं एज ए स्क्रू ड्राइवर भी। ऐसा नहीं कि जो बड़ा बड़ा स्क्रू ड्राइवर है उसमें आपको मतलब बोर्ड वाला है बहुत बड़ा बड़ा है वो खुल नहीं रहा है उसमें आप इसको कर रहे हैं, भैया वहां के लिए ये नहीं है, ठीक है। व्हाइल टेस्टिंग सी द सर्किट कंप्लीटेड थ्रू द बॉडी। जब आपको टेस्ट करना है, आपको चेक करना है कि सप्लाई है या नहीं है, देन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि बॉडी के द्वारा ही सर्किट कंप्लीट होगा, जो कि आप उंगली टच करके बैक पोर्शन पे आप यूज करते हो, ठीक है। तो इन सब चीजों पे आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका इलेक्ट्रीशियन नाइफ। इलेक्ट्रीशियन नाइफ चक्कू देखते हैं, होता है रामपुरी चक्कू आता है ऐसे करके खच 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 करता है ना, वही चक्कू है ये, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो होता है ना एक इसका मतलब कह लीजिए कि उसी के अंदर चक्कू रहता है, ये हमारा ब्लेड हो गया, इसके मदद से हम काट सकते हैं इंसुलेशन जो होता है तार का, इंसुलेशन को काट के हटा सकते हैं, और दूसरा सरफेस हमारा थोड़ा खुरदुरा टाइप से रहता है जिसके मदद से वो जो कंडक्टर होता है ना उसको आप साफ कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो होता है एक तरह से कह लीजिए ढक्कन टाइप से होता है ना,
इसी ढक्कन में ये वाला ऐसे दबा दीजिएगा, रखा रहेगा। रुकिए ना, हम आपको दिखाते हैं, ऐसा होता है भैया ये चकुआ, ठीक है। हाँ है, देखा ये होता है राम और प्रिया चकू है। देखो इसमें क्या होगा, ये देखो आप यहाँ से इस साइड में आपको काटने के लिए होता है, और ये वाला देखो थोड़ा पुर्जा टाइप से है, इधर से आप इंसुलेशन को काट सकते हो, स्किनिंग बोलते हैं आप, ठीक है, स्किनिंग बोलते हैं। और दूसरा होता है क्लीनिंग, इधर से आप क्लीन कर सकते हो और इधर से आप काट सकते हो, इंसुलेशन को रिमूव कर सकते हो। काम हो गया तो इसको ऐसा करके प्रेस कर दो, दबा देते, इसके अंदर जो होता है ना वो अंदर आके रखा रहेगा, और ये जेबी में डाल लो और घूमते रहो, ठीक है। या फिर ऐसा भी यूज किया जाता है, ये भी आपका इलेक्ट्रिशियन चाकू ही है, इसमें इसको क्या कहते हैं ना, स्लाइड किया जाता है, स्लाइड करके ऐसे करोगे ऊपर आएगा, फिर स्लाइड करके नीचे करोगे ये पूरा अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा चक्कू भी आप देखे होंगे, ये भी आपका सेम होता है, एक साइड काटने के लिए और दूसरा साइड, यहाँ पे अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वाला, तो ये हमारा मतलब साफ करने के लिए होता है, कंडक्टर क्लीन करने के लिए होता है, ठीक है। और ये हमारा टेस्टर है, देखो आपने देखा होगा भैया, ये भी देखो टेस्टर है आपका, आराम से इसी की मदद से आप चेक कर सकते हो, ये टेस्टर है आपका, ठीक। चल भैया आ जाओ जल्दी से, इसको पूरा करो। हाँ तो इलेक्ट्रिशियन नाइफ में आओ, देखें एक बार, द साइज ऑफ द नाइफ इज स्पेसिफाइड बाय इट्स लार्ज ब्लेड लेंथ, ये जो ब्लेड का लेंथ होता है इसके हिसाब से हम इसके साइज को स्पेसिफाई करते हैं, अलग अलग साइज हो सकते हैं, ठीक है, छोटा बड़ा डिफरेंट डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, लाइक 50 mm है, 75 mm है, सब ब्लेड का साइज है, इसका साइज ना बता रहे भैया, हम ये वाला जो ब्लेड है ना निकाला गया है ना उसका बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका साइज है आपका 50 mm 75 mm। इट इज यूज फॉर स्किनिंग द इंसुलेशन ऑफ द ब्लेड एंड क्लीनिंग द वायर सर्फेस। स्किनिंग करने का मतलब जो वायर होता है उस पर जो इंसुलेशन होता है उसको काट के हटाना। कभी आप देखे होंगे ना पेंसिल जो रहता था ना बचपन में, हम लोग ब्लेड लेते थे, ब्लेड से ऐसे छीलते थे, अब ना कटर आ गया जी, कटर यूज करते हो, पहले ब्लेड होता था, ब्लेड से भी छील लेते थे ना, वैसे ही ये नाइफ जो है इसके मदद से वायर का इंसुलेशन पहले काटा जाता है ना, वायर का इंसुलेशन पहले क्या किया जाता है, छील के अलग कर दिया जाता है, उसके बाद उसी नाइफ के दूसरे साइड से, लाइक एक साइड से इधर से मान लो काटेगा तो इधर से दूसरा साइड थोड़ा खुरदरा होता है तो उसके मदद से आप उसको साफ कर देते हो, जो भी थोड़ा थोड़ा इंसुलेशन बचा होगा उसको आप क्या करोगे, साफ कर दोगे, ठीक है। ये हो गया आपका। हाँ भैया चलिए, वन ऑफ द ब्लेड विच इज शार्प, एक साइड का ब्लेड जो होता है जो शार्प होता है, काफी धारदार होता है, इज यूज फॉर स्किनिंग द केबल, वो क्या होता है, केबल को या उसके इंसुलेशन को काटने के लिए होता है, उसको स्किनिंग करने के लिए होता है। एंड द रफ एज ब्लेड इज यूज फॉर क्लीनिंग द सर्फेस ऑफ द वायर, और दूसरा साइड जो होता है जो रफ एज होता है उसके मदद से हम सर्फेस जो कंडक्टर का सर्फेस होता है उसको क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं, राइट। होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चल इसका केयर एंड मेंटेनेंस में क्या है देख लेना, डू नॉट यूज द नाइफ फॉर कटिंग वायर्स, ठीक है, वायर को काटने में यूज नहीं करना है, इंसुलेशन को हटाने में यूज करना है, ना कि ऐसा हो कि वायर को काटना है तो उसके लिए करोगे तो जब बीच में कंडक्टर आ जाता है ना तो वो आपका जो ब्लेड होता है ना उसको भोथड़ बना देगा, भोथड़ समझ रहे हो, पूरा एकदम चौपट कर देगा, कटवे नहीं करेगा कुछ, ठीक। तो आपको काटने के लिए यूज नहीं करना है, छीलने के लिए, स्किनिंग और क्लीनिंग के लिए सिर्फ यूज करना है। कीप इट फ्री फ्रॉम द डस्ट, धूल से थोड़ा मतलब साफ सुथरा रखना है आपको। कीप वन ऑफ द ब्लेड इन अ शार्प कंडीशन, एक साइज जिधर ब्लेड है उधर हमेशा आपको शार्प करके रखना पड़ेगा। घर में चक्कू यूज किया है ना, चक्कू से देखना कि एक साइड से कटता है सिर्फ, दोनों साइड से बहुत रेयरली कटता है भाई, है ना, तो एक साइड आपको पूरा धारदार बना के रखते हो ताकि अच्छे से कटे, और दूसरा साइड आपका भोथड़ रहता है जैसे कि नहीं कटता है, वही चीज यहाँ पे है, एक साइड यहाँ पे भी आपको क्या करना है, धारदार बना के रखना है और दूसरा साइज खुरदरा रहता है जिसके की मदद से आप कंडक्टर को क्लीन कर सकते हैं। फोल्ड द नाइफ ब्लेड व्हेन नॉट इन यूज, जब भैया आपको यूज में नहीं है, आप नाइफ को यूज में नहीं ला रहे हैं ना, जब आप चकुआ को यूज नहीं करते हैं तब आपको क्या करना है, फोल्ड के जेबी में डाल देना है, लाइक यहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे इसको अंदर कर दो, जेबी में डाल लो, घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा यूज करते हो तो इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ अंदर डाल दो उसमें, तो ये बना। अस्तूरा देखा होगा जो जाते हो हजामत, हजामत करने के, सेविंग वेविंग करने के लिए, असर वगैरह छिलाने के लिए जाते हो ना, तो वो अस्तूरा रहता है, वैसा अस्तूरा भी देखे रहोगे, उसे ऐसे निकालता है मस्त एकदम, तुरंत सेविंग कर देता है या बाल छील देता है, अब फिर जैसे ही काम होता है उसको फिर वापस
रख देता है, समेट कैसे रखता है। वैसे ही यहाँ पे भी आपको देखे होंगे, ये चक्कू है, इसको इंसर्ट कर दीजिए, सेफ रहता है। ठीक है, चलिए। तो ये कुछ टूल्स था जिसके बारे में हमने देखा, हमने जाना। अगले लेक्चर में हम कुछ और टूल्स को लेकर आएंगे जिसके बारे में भी मैं आपको सिखाऊंगा। ध्यान रहे, एक एक चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सबका BIS भी देखेंगे, BIS स्पेसिफिकेशन, सबका केयर एंड मेंटेनेंस, सबका यूज, हर एक जगह पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, है ना, और देखे होंगे। ध्यान रखिएगा, साथ साथ में नोट्स बनाते जरूर चलिएगा। किसी भी प्रकार का कोई क्वेरीज हो या डाउट हो, फील फ्री, आप एकदम फ्री हैं आराम से, या तो कमेंट बॉक्स में ओपन है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं आपका जो भी क्वेरीज हो या जो भी डाउट हो उसको मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।